एक पंडित जी थे, वो बांके बिहारी लाल को बहुत मानते थे। उनके सुबह शाम बस ठाकुर जी करके व्यतीत होते। पारिवारिक समस्या के कारण उन्हें धन की आवश्यकता हुई तो पंडित जी सेठ जी के पास धन मांगने गए। सेठ जी ने धन तो दे दिया पर उस धन को लौटाने की 12 किश्तें बांध दी। पंडित जी को कोई ऐतराज न हुआ, उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। अब धीरे धीरे पंडित जी ने 11 किश्तें भर दी, एक किश्त ना भर सके। इस पर सेठ जी ने 12वीं किश्त के समय निकल जाने पर पूरे धन का मुकदमा पंडित जी पर लगा दिया। कोर्ट कचहरी हो गई। जज साहब बोले, पंडित जी तुम्हारी तरफ से कौन गवाही देगा? इस पर पंडित जी बोले कि मेरे ठाकुर बांके बिहारी लाल जी गवाही देंगे। पूरा कोर्ट ठहाकों से भर गया। अब गवाही की तारीख तय हो गई। पंडित जी ने अपनी अर्जी ठाकुर जी के चरणों में लिखकर रख दी। गवाही का दिन आया, कोर्ट सजा हुआ था। वकील जज अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। पंडित को ठाकुर पर पूरा भरोसा था। जज ने कहा, पंडित अपने गवाह को बुलाओ। पंडित ने ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाया, तभी वहां एक वृद्ध आया जिसके चेहरे पर मनोरम तेज था। उसने आते ही गवाही पंडित जी के पक्ष में दे दी। वृद्ध की दलीलें सेठ के बही खाते से मेल खाती थीं कि फला फला तारीख को किश्तें चुकाई गईं। अब पंडित को सहसम्मान रिहा कर दिया गया। तत्पश्चात जज साहेब पंडित से बोले कि ये वृद्ध जन कौन थे जो गवाही देकर चले गए? तो पंडित बोला, अरे जज साहब, यही तो मेरा ठाकुर था, जो भक्त की दुविधा देख न सका और भरोसे की लाज बचाने आ गया। इतना सुनना था कि जज पंडित जी के चरणों में लेट गया और ठाकुर जी का पता पूछा। पंडित बोला, मेरा ठाकुर तो सर्वत्र है, वो हर जगह है। अब जज घर बार काम धंधा सब छोड़कर ठाकुर को ढूंढने निकल पड़ा। सालों बीत गए पर ठाकुर ना मिला। अब जज पागल सा मेला कुचैला हो गया। वह भंडारों में जाता, पत्तलों पर से झूठन उठाता, उसमें से आधा झूठन ठाकुर की मूर्ति को अर्पित करता, आधा खुद खाता। इसे देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए, उसे मारते पीटते, पर वो न सुधरा। झूठन बटोर कर खाता और खिलाता रहा। एक भंडारे में लोगों ने अपनी पत्तलों में कुछ न छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को झूठन न खिला सके, पर उसने फिर भी सभी पत्तलों को पहुंच पहुंच कर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुख में डाल लिया। पर अरे ये क्या, वो ठाकुर को खिलाना तो भूल ही गया, अब क्या करे? उसने वो निवाला अंदर न सटका कि पहले मैं खा लूंगा तो ठाकुर का अपमान हो जाएगा और थूका तो अन्य का अपमान होगा, करे तो क्या करे। निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगा ही रहा था कि एक सुंदर ललाट चेहरा लिए बाल गोपाल स्वरूप में बालक पागल जज के पास आया और बोला, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? जज साहब मन ही मन गोपाल छवि निहारते हुए अश्रुधारा के साथ बोले, ठाकुर बड़ी गलती हुई, आज तो पहले तुझे भोजन ना करा सका, पर अब क्या करूं? तो मनमोहन ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, अरे जज, तू तो निरा पागल हो गया है रे, जब से अब तक मुझे दूसरों का झूठन खिलाता रहा, आज अपना झूठन खिलाने में इतना संकोच, चल निकालने वाले को, आज तेरी झूठन सही। जज की आंखों में अविरल धारा निकल पड़ी और रुकने का नाम नहीं ले रही और मेरा ठाकुर कहता कहता बाल गोपाल के श्री चरणों में गिर पड़ा और वहीं देह का त्याग कर दिया। वो पागल जज कोई और नहीं, वही पागल बाबा थे जिनका विशाल मंदिर आज वृंदावन में स्थित है।